देखने के बाद भी अपनी नजरें नहीं हटा पा रही हूँ। बातें तो बहुत हैं पर शायद अब कुछ नहीं कहना। उसके बढ़ते कदम की आवाज पूरे घर में सुनाई दे रही थी और मेरे दिल का शोर सिर्फ मुझ तक ही सीमित था। उसको जाते हुए देख खुद को कमजोर महसूस कर रही थी, पर जब उसने सीने से लगाया कुछ क्षण के लिए सब कुछ ठीक था। उसकी हंसने की आवाज से ही तो मेरा घर बनता था, अब तो ये चार दीवार सुनी लगती है। उसकी बातें सुने ही इतना वक्त हुआ कि अब तो ये यादें भी धुंधली लगती है। फोन तो कभी आया नहीं, सोचा चिट्ठी ही लिख देगा। मन को बहलाने का ये एक और तरीका ही चली। दरवाजे पे खड़े होके रोज मैंने रास्ता देखा पर उसके आने का एक निशान भी नहीं। अब तो वक्त भी धोखा दे रहा था, इंतजार तो खत्म होना ही था। कब तक ये कमजोर हाथ मेरे दृढ़ हौसले को संभालते। अच्छे काम से गया है वो, मुझे रोना नहीं था, पर कब तक ये आंसू अंदर दफन रह पाते। उसके जाने से पहले काश मैं उसे बता पाती, उसके आने तक काश मैं रुक पाती कि उसका पसंदीदा हलवा आज भी मैं बनाती हूँ, उसके हिस्से का प्यार उसके हिस्से को दे जाती हूँ। कैसे बताऊं उसे मेरे अलावा भी कोई उसे कितना प्यार करता है। मेरे साथ उसका बेटा भी उसका इंतजार करता है। थैंक यू।